नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आपके साथ चंद्र ओझा। रामसिंहपुर की इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। श्री गंगानगर के रामसिंहपुर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। रामसिंहपुर खेत में बने डैम में डूबने से 5 बच्चों की मौत, 2 बच्चियां वे 3 बच्चों की हुई मौत। अभी भी ग्रामीण डैम के पानी को करवा रहे हैं खाली। 5 बच्चों के शव रामसिंहपुर के राजकीय चिकित्सालय में रखवाए। अनूपगढ़ वरिष्ठाधिकारी जयदेव बे उपखंड अधिकारी प्रियंका तलानिया भी पहुंचे मौके पर। रामसिंहपुर चिकित्सालय में इलाके में छाई शोक की लहर। राजकीय चिकित्सालय में मौजूद ग्रामीणों की आंखें नम। बताया जा रहा है कि बच्चे तीज का त्यौहार होने के लिए खेलने के मकसद से यहां आए थे और एक एक करके डिग्गी में कूद गए। अब भी डिग्गी को खाली करवाया जा रहा है कि कहीं कोई और बच्चा नहीं हो। ईश्वर करे कि बच्चा नहीं हो, ऐसा ही हो और डिग्गी को खाली करवाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। ट्रैक्टर